चलिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक हेल्दी और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट, छिलके वाली मूंग दाल का पराठा। बहुत ही बढ़िया होता है ये। आप इसको चाहे तो डिनर में, लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में, किसी भी समय भी इसको आप खा सकते हैं। और ये हैवी नाश्ता भी हो जाता है और एक आपका अच्छा हेल्दी भी हो जाता है। अभी देखिए इसको हम लोग क्या किए, ये छिलके वाली मूंग दाल है, इसको हम अलग से भिंगा के रखे हुए हैं। इसको 2 से 3 घंटे तक भिंगा के रखेंगे, बस उतने में ही ये अच्छा सा सोख हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा देर तक, ऐसे 7-8 घंटे तक भिंगाने का ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये 2 से 3 घंटे से भिंगा के रखे हैं अभी, फिर उसके बाद बढ़िया से इसको मल के धो लिए, तो उसका काफ़ी छिलका उस समय निकल जाता है जब धोने लगते हैं। तो अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग एक बड़ा बोल लेंगे, बोल में फिर इसको दाल को डाल लेंगे, दाल को डालेंगे और माने डो बनाने के लिए, पराठा के लिए। अब इसमें देखिए दाल डाल दी हम लोग, और फिर इसमें थोड़ा आटा डालेंगे गेहूं का, जैसे 2 कटोरी डाल रहे हैं इसमें आपके दाल, तो वही करीब 2 स्कूप देखिए ऐसे भर भर के इसमें आटा डालेंगे। फिर वही आपके हल्दी मसाला और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा हींग, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी इसमें रेड चिल्ली पाउडर और नमक, सब डाल के बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। और फिर उसका अच्छा सा, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छा सा आटा बना लेंगे, एकदम बढ़िया, एकदम सॉफ्ट डो। बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए इसका आटा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। बहुत कड़ा हो जाने से ऐसा ठेपला टाइप का फिर ये पराठा एकदम बन जाएगा, कड़क कड़क जैसे होता है, तो वो भी नहीं करना है। और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, मैंने ज़्यादा ऐसा सॉफ्ट बना दीजिएगा तो दाल है इसमें ऑलरेडी, तो ये फिर बेलने में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसका बहुत ही सॉफ्ट और बहुत देख के पानी डालना है, कि थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और फिर इसको सानते जाना है। ऐसा नहीं एक साथ सारा पानी डाल दिया तो क्या है, गीला होने का डर हो जाएगा। अभी हम लोग देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी पराठा होता है। इसको आप जैसे भी, आप जैसे गवार की सब्जी या फिर वैसे, देखिए हम तो इसको आलू और बैंगन के कलौंजी के साथ बनाए थे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगा। और आप इसको अचार और ये दही ये सब के साथ भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया नाश्ता होता है। अभी आप इसको छिलके वाली दाल का बना सकते हैं, नहीं तो आप जो धुली दाल भी होती है मूंग की, उसकी भी बनती है, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो लेकिन ये हम छिलके वाली दाल का बनाए हैं। अभी आप देखिए अच्छा सा डो बना लिए इसको। अब डो बनाने के बाद में फिर अभी इसको अच्छे से इसका हम पराठा बनाएंगे, बना के और उसको बढ़िया से तवे पे दोनों साइड से एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। सेकने के बाद में आप इसको बढ़िया सर्व करिए, और बन गया आपका डो। इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, बनाने के बाद में थोड़ा सा ऑयल डाल के बना देते हैं कि अच्छा हो जाता है, ऐसे जो स्टिकी स्टिकी सा लगता है आटा वो ऐसा लगेगा नहीं, इसलिए ऐसे थोड़ा सा ऑयल डाल दिए। हो गया अभी, बस अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ढक के रखेंगे आटे को। कपड़े से रख सकते हैं, वाइट वाला कपड़ा जो होता है उससे बढ़िया से धो के उससे ढक दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे भी ढक के 2-5 मिनट के लिए रख दीजिए आटे को। अच्छा थोड़ा आटा अच्छा हो जाता है उससे रखने से। अब इसमें हम लोग फिर आटा लेंगे लगा के बेलने के लिए। अब तवा को रखेंगे और फिर उसको हम लोग उसका थोड़ा पोर्शन लेंगे आटे का, और अच्छे से दोनों साइड आटा लगा के उसको बेलेंगे एकदम बढ़िया से। और फिर इसको अच्छे से घी लगा के दोनों साइड से एकदम अच्छे से पराठा बनाएंगे। देखिए बेलने में भी ये क्या है, बहुत आटा गीला रहने से बेलते बनता नहीं है, फिर वो ऐसे तुरंत इधर उधर हो जाता है, फटने लगता है ऐसा कुछ, क्योंकि अंदर वो दाल रहती है। तो अभी देखिए इसका आटा अच्छा बना है तो बेलने में भी आराम हो रहा है। बस अभी डालेंगे इसको,
बहुत हाई फ्लेम पे करके भी नहीं बनाना है, ठीक मीडियम फ्लेम पे ही रहेंगे तो दोनों साइड पकेगा अच्छे से। देखिए इस तरह से ऐसे बढ़िया से सब तरफ घी लगाएंगे, लगा के अभी ये हो गया अपना पराठा अच्छा सा रेडी। आप इसको टिफ़िन भी ले जा सकते हैं अचार के साथ या कोई सब्जी के साथ, आप इसको टिफ़िन में ले जाइए या दही के साथ, और फिर आप इसको से ब्रेकफास्ट में खाइए, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है ये। इसको दोनों साइड से अच्छे से पकाना है। ये दोनों साइड हो गया है बढ़िया सा, बस इसको एक प्लेट लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे पराठे को, और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक भी करिएगा। एकदम बढ़िया, एकदम सॉफ्ट है, देख रहे हैं ना, एकदम सॉफ्ट, ज़रा सा भी ये नहीं है हार्ड, मतलब कड़ा ऐसा ठेपला टाइप का, ऐसे कड़क सा नहीं, एकदम सॉफ्ट पराठा बना हुआ है। देखिए इसको मैं आलू बैंगन की कलौंजी के साथ बनाए थे, बहुत ही बढ़िया और बहुत टेस्टी लगा खाने में।